अभी यहां पर हम एक और एक केस देखने वाले हैं और एक टाइप देखने वाले हैं बीम का। एक्चुअली इस पे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते नहीं है, पर मैंने इस पे एक वीडियो बना दी है, ठीक है। तो प्रॉप कैंटिलीवर क्या होता है, देखिए कि अभी मैंने बालकनी बना दी, अभी बालकनी गिरने के चांसेस तो है बराबर, कैंटिलीवर गिरने के चांसेस तो है। अगर मैं उस पर कुछ भी बहुत बड़ा कबर्ड रख दूं तो गिर जाएगा वो। अभी मैं चाहता हूं कि गिरे ना, तो इसलिए मुझे एक एक्स्ट्रा सपोर्ट लगाना पड़ेगा उस पर। अभी एक्स्ट्रा सपोर्ट में एंड पे लगाओ या तो बीच में लगाओ, यहां पर मैंने एंड पे लगाया। एक्चुअली आप बीच में भी लगा सकते हो बराबर, और ऐसे बहुत बार होता भी है कि आपके बालकनी के ऊपर यहां पर आप नीचे एक सपोर्ट लगाते हो, ठीक है, और बहुत सारे घरों में ऐसा होता भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए, तो जैसे कि मैंने यहां पर देखिए ये बिग बालकनी है और बालकनी पे मैंने एक डंडा लगा दिया बराबर, यहां पर एक डंडा लगा दिया, एक पिलर लगा दिया, तो पिलर लगाने की वजह से उसको एक सपोर्ट मिला। तो ये पिलर एक सपोर्ट रिएक्शन आपके बालकनी को देगा या फिर आपके बीम को देगा, ठीक है। तो ये आपका जो बालकनी है तो वो थोड़ा सा ज्यादा सुरक्षित हो गया, थोड़ा सा ज्यादा सेफ हो गया। तो यही है ये प्रॉप कैंटिलीवर। प्रॉप कैंटिलीवर क्या होता है, कैंटिलीवर सपोर्टेड एट द एंड, या तो आप एंड पे लगाओ उसको या तो आप इंटरमीडिएट लगाओ, और एट इंटरमीडिएट पॉइंट बाय अ सिंपल सपोर्ट इज कॉल्ड एज प्रॉप कैंटिलीवर, ठीक है। ये इतना सा ही है। इसमें रिएक्शन कैसे लगेंगे, देखिए यहां पर पहले तो अभी इस पे अगर कुछ लोड वगैरह लग रहा है ऐसे, ठीक है, तो आपके रिएक्शन कुछ इस तरह से होंगे। देखिए ये होगा एच ए बराबर, दूसरा होगा वी ए। अब ये फिक्स सपोर्ट है इसलिए यहां पर क्या आने वाला है, यहां पर आएगा अपना एक मोमेंट, फिक्सिंग मोमेंट बराबर। फिक्स सपोर्ट पे आता है वो मोमेंट, कैंटिलीवर में आता है, फिक्स बीम में भी आता है। तो यहां पर एक मोमेंट लगेगा। अभी यहां पर उसने एक हमने एक पिलर लगा दिया, तो पिलर लगाया दिया तो यहां पर एक क्या आएगा, वर्टिकल रिएक्शन आएगी। तो वर्टिकल रिएक्शन को मैं बोल देता हूं आरबी, ठीक है। तो यहां पर आएगा पिलर, ठीक है जी। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि प्रॉप कैंटिलीवर क्या होता है। जनरली इस पे ज्यादा प्रॉब्लम आते नहीं है, ठीक है, पर ये थ्योरी में था इसलिए मैंने इस पे वीडियो बना दिया, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आया हो कि मैंने क्या बोला हुआ है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो यहां पर ही इस वीडियो को एंड करता हूं, और थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।